चलिए अब बात करते हैं कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ रहे तनाव की। नॉर्थ कोरिया के शासक आजकल इस इलाके में मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। अब किम जोंग ने अपनी वो किलर मिसाइल लॉन्च करके दहशत फैलाने की कोशिश की है जो अमेरिका तक हमला करने में सक्षम है। लेकिन किम जोंग ने एक हफ्ते में 4 मिसाइलें क्यों छोड़ी और इससे निपटने के लिए अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया क्या कर रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन जापान और साउथ कोरिया के पास के समंदर में मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। किसी मिसाइल की रेंज जापान और साउथ कोरिया को तबाह करने के लिए काफी है, तो कुछ मिसाइलों की पहुंच अमेरिका तक होने का दावा नॉर्थ कोरिया की तरफ से किया जा रहा है। और नॉर्थ कोरिया की हर मिसाइल 3 देशों का सरदर्द बढ़ा रही है। हर मिसाइल लॉन्च के बाद जापान, साउथ कोरिया इसकी निंदा करते हैं, लेकिन किम जोंग पर ना तो इसका असर पड़ा था और लगता है ना ही पड़ेगा। फिलहाल किम जोंग ने जो लेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल वाजोंग 17 लॉन्च की है, उसकी पहुंच भी अमेरिका तक बताई जा रही है। लेकिन किम जोंग आखिरकार क्यों इतने बौखला गए हैं कि एक हफ्ते में दुश्मनों को डर दिखाने के लिए उन्होंने 1-2 नहीं पूरी 4 घातक मिसाइलें लॉन्च करके अपनी ताकत दिखाई है। ये बताने से पहले हम आपको किम जोंग की घातक मिसाइल वाजोंग 17 के बारे में बताते हैं। लेटेस्ट लॉन्चिंग के दौरान किम की किलर मिसाइल 6,045 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची, 1,000 किलोमीटर की यात्रा की। साउथ कोरिया और जापानी सेनाओं ने इसे खतरनाक बताया है। इन देशों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की इस मिसाइल की रेंज अमेरिकी सीमा तक है। वाजोंग 17 परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। किम जोंग की मिसाइल लॉन्च से जापान और साउथ कोरिया में खलबली है। दावा ये भी किया जाता है कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ 33 मिनट में अमेरिका पर परमाणु हमला भी कर सकता है, इसीलिए किम की हर मिसाइल पर इन देशों की नजर है। अब आप समझिए आखिरकार किम जोंग मिसाइलों की बारिश क्यों कर रहे हैं। किम जोंग के गुस्से की 2 वजह हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच चल रहा 5 साल का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जो 11 दिनों तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास का निशाना कोई और नहीं नॉर्थ कोरिया है। इससे पहले इतना बड़ा युद्धाभ्यास अमेरिका और साउथ कोरिया ने 2018 में किया था। किम की बौखलाहट की दूसरी वजह है ये तस्वीर, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध से जानी दुश्मन रहे जापान और दक्षिण कोरिया ने हाथ मिला लिया है। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जापान और दक्षिण कोरिया ने हाथ मिला लिया है। नॉर्थ कोरिया से बढ़ते परमाणु खतरे के बीच साउथ कोरियाई राष्ट्रपति सुक्योल टोक्यो पहुंचे, जहां नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए कई समझौते हुए। जापान और दक्षिण कोरिया को सिर्फ किम जोंग से नहीं शी जिनपिंग यानी चीन से भी निपटना है। ऐसे में दोनों देशों की सेनाएं अब इंटेलिजेंस भी शेयर करेंगी और मिलकर इस इलाके में काम करेंगी। और किम जोंग को इस खेमेबंदी ने बेचैन कर दिया है, जिसका नतीजा मिसाइलों की ये बारिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।